हेलो फ्रेंड्स, मैं स्माइली एसएससी डिजिटल जोन में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हिंदी व्याकरण, जिसमें टॉपिक है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए जानते हैं कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, निजवाचक सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहें कि निजवाचक सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता कौन? बोलने वाला जो किसी चीज़ को अपने साथ स्वयं के लिए दर्शाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं देखिए कि मैं अपनी पुस्तक को स्वयं ही खरीद लूँगी। क्या कह रहा है कि मैं अपनी पुस्तक को स्वयं ही खरीदूँगी। मैं अपनी पुस्तक स्वयं मतलब खुद अपने लिए मतलब खुद ये काम कर रही हूँ, तो ये निजवाचक सर्वनाम, ये खुद के लिए दर्शा रही हूँ, इसलिए ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। अपने आप खा लूँगी, कैसे? अपने आप मतलब खुद के लिए बता रही हूँ कि मैं अपने आप खा लूँगी, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करूँगी, क्या करें कि अपना काम स्वयं करूँगी, मैं अपना काम स्वयं करूँगी, ये किसी और के लिए नहीं खुद के लिए कह रही हूँ कि मैं अपना काम स्वयं करूँगी, तो ये क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया कि यहाँ पर कह रहा है कि वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने के लिए करता है, मतलब वक्ता जो बोलने वाला है वो किसी भी चीज़ को अपने साथ दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पर दर्शा रहा है कि वो पुस्तक खुद खरीद रहा है, खरीद रही है, अपने आप खा रही है और अपना काम स्वयं करिए, खुद के लिए दर्शा रही है, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।